नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत ब्लॉग्स और आज हम सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय में आए हुए हैं और आज प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर के बगल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजीव रंजन सर के बगल में। तो सर से आज हम जानने के बारे इस विद्यालय के बारे में जानने के लिए आए हैं क्योंकि ये बहुत ही एक मिनी शिमला के अंदर ये स्कूल है और सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय के नाम से बहुत ही फेमस है ये स्कूल है। और क्या ये स्कूल का लोकेशन के बारे में बता दूँ तो जमुई जिला पड़ता है झारखंड बॉर्डर के पास में। तो ये जो जमुई जिला है उसके झाझा ब्लॉक है, झाझा ब्लॉक के अंतर्गत ये सिमरतल्ला पड़ता है जिसको अगर आप नेट पे सर्च करिएगा तो मिनी सिमरतल्ला। वेलकम टू जीत ब्लॉक सर। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इस स्कूल का बनने के पीछे का रीज़न क्या था? देखिए, बनने के पीछे का मूल कारण जो था वो ये था कि बिहार विभाजन के उपरांत जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो अपने जो संयुक्त बिहार का एक बहुत ही ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध विद्यालय था नेतरहाट हाट आवासीय विद्यालय, वो झारखंड क्षेत्र में पड़ गया और उसके बाद इतने उत्कृष्ट संस्थान के झारखंड में चले जाने के बाद जो एक तरह से एक शून्य का निर्माण हुआ, एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शिता के कारण इस विद्यालय की परिकल्पना हुई कि भाई हमारा जो एक समय गौरव था संयुक्त बिहार का उसी तरह का विद्यालय हम अपने बिहार में भी स्थापित करें। और ये उन्हीं के विशेष प्रयास का प्रतिफल है कि सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय की स्थापना। सर तो अब दूसरा है क्या कि हिस्ट्री तो बता चुके हैं और आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए यहाँ का, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और कब से आप हैं? देखिए, मेरी नियुक्ति 2011 में हुई और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं 31 अक्टूबर 2011 को इस विद्यालय में प्राचार्य के रूप में मैंने योगदान दिया और इसके पूर्व मैं बाहर था। भूटान एक देश है जिसका नाम आपने सुना होगा, तो मैं पिछले 14 साल से भूटान में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इंग्लिश रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के अंदर एक हायर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहा था। और उसके बाद फिर जब इस विद्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि जब शिक्षा का ही काम करना है तो फिर ये अपने समाज और अपने राज्य और अपने देश के बच्चों के लिए क्यों न करें। और ईश्वर ने मुझे अवसर प्रदान किया तो मैं यहाँ आ गया और तब से अब तक की यात्रा काफ़ी संतोषप्रद रही है। हमारे बच्चे आज धीरे धीरे पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहे हैं, बच्चे अपने जीवन में अकादमिक रूप से भी सफल हो रहे हैं और एक इंसान और एक जो जिम्मेदार नागरिक होता है देश का उस रूप में भी हमारे बच्चे काफ़ी सफल हो रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे, एक आध दो बच्चे हमारे विदेश जा चुके हैं जॉब के सिलसिले में। हमारा पहला बैच जो है क्लास 10 का वो 2015 में पास हुआ और वो 2017 में उसने इंटर किया और अभी अभी दो चार दिन पहले मुझे खबर मिली है कि उस बैच से और उसके अगले बैच से इस साल के यूपीएससी की पीटी परीक्षा में हमारे 3 या 4 बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आज के डेट में हमारे लगभग 25 बच्चे, चूँकि बच्चे बाहर चले गए हैं, एक्यूरेट डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन 20 से 25 के बीच जो बच्चे हैं वो विभिन्न IIT कॉलेजों में पढ़ रहे हैं देश के विभिन्न, गुवाहाटी में, बनारस में, रुड़की में, पटना में और बहुत जगह पे। उसके बाद आप देखिए कि जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उसमें लगभग 100 बच्चे हैं कहीं ना कहीं। मेडिकल के क्षेत्र में हमारे 20 से ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं और इसी तरह से आर्मी में हमारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, एयरफोर्स हमारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, इधर हाल ही में एक हमारा पहला बच्चा जो है वो सेकेंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU इन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और जिनका उद्देश्य भविष्य में सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है। कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में भी चले गए हैं, एक आध बच्चों ने अपना विद्यालय खोलने का प्रयास किया है। तो ये सब देख के हम लोग काफ़ी संतुष्ट होते हैं एज ए शिक्षक, एज ए टीचर। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा संतोष ये होता है कि हमारे बच्चे अपने जीवन में कितने सफल और सार्थक साबित हो रहे हैं।
सर यहाँ जैसे बोला जाता है फ्री एजुकेशन है, तो फ्री एजुकेशन का सेंस क्या है, मतलब फुल्ली फ्री है या? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ फुल्ली फ्री ही कहा जाएगा जी। हम बच्चों को मुफ्त में आवास, मुफ्त में भोजन, मुफ्त नहीं कहिए, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो बच्चों को उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है। भोजन हो, वस्त्र हो, आवास हो, स्टेशनरी हो, सारा कुछ उसको विद्यालय की तरफ से दिया जाता है। और जहाँ तक फी कलेक्शन की बात है तो वो एक इनकम स्लैब बना हुआ है जी। जो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं जी। उनको एक टोकन के रूप में विद्यालय में योगदान के लिए साल में अलग अलग स्लैब है, उसमें 5,000 से लेके 20-25,000 रुपए देने पड़ते हैं, वो भी साल का एक बार जी। वो तो, उसको आप फी नहीं कह सकते हैं, उसको फी नहीं कह सकते, डेवलपमेंट चार्ज वगैरह तो जो कह लीजिए उसको आप, इसी तरह का स्ट्रक्चर है तो हम समझते हैं। और वो भी प्रत्येक बैच में हम 120 बच्चों का एडमिशन लेते हैं और उन 120 बच्चों में से हमको लगता है कि वह मुश्किल 10-12 बच्चे कुछ जो इस तरह के फी देने वाले होते हैं और बाकी सारे बच्चों को यहाँ मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो सर जो मुफ्त में शिक्षा दी जाती है तो इसमें एडमिशन लेने की प्रोसेस भी तो टफ होगी। देखिए एडमिशन लेने के प्रोसेस को आप टफ कहें या क्या जो भी कहें, आवासीय व्यवस्था है, एक ही विद्यालय है और सीमित संख्या में यहाँ सीट है, 120 बच्चों का नामांकन होता है तो हर एक साल 120 ही बच्चे का होगा, 120 बच्चे का ही नामांकन होता है कक्षा 6 में, क्लास 6 में, स्टैंडर्ड 6, सिर्फ 6 में एडमिशन होता है, वही बच्चे हमारे 12वीं तक पढ़ते हैं जी। तो जब आपको सीमित सीट है तो आपको उस 120 बच्चों को चयनित करने का कोई ना कोई फॉर्मूला तो निकालना होगा जी जी। और इसके लिए आप प्रवेश परीक्षा से बेहतर कोई फॉर्मूला निकाल नहीं सकते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और उस प्रक्रिया से गुजर के बच्चों का चयन होता है और बच्चों का नामांकन होता है। 120 बच्चों में आधे छात्र होते हैं, आधी छात्राएं होती हैं, तो इस तरह से यहाँ नामांकन होता है जी। तो सर ये एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट की होती है? एग्ज़ाम आपको होता है ये सामाजिक अध्ययन होता है, अंग्रेजी होता है, हिंदी होता है जी, गणित होता है, विज्ञान होता है, रीजनिंग होता है। परीक्षा दो स्तरीय होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है जी। तो और दोनों पहले सब्जेक्टिव था, अभी हाल में पिछले 2-3-4 सालों से सारी परीक्षाएँ ऑब्जेक्टिव हो गई हैं और इन्हीं विषयों को कवर किया जाता है। स्तर जो होता है वो चूंकि हम 6ठी क्लास में नामांकन लेते हैं तो वो स्तर 5वीं कक्षा तक के पास बच्चों से जो हम अपेक्षा रखते हैं तो यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्तर उसी लेवल का होता है। तो सर जो यहाँ का फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, यहाँ से भरा जाता है? ऑनलाइन होता है, वो आप कहीं से भर सकते हैं, ऑनलाइन ही डायरेक्टली, या यहाँ कोई ऑफलाइन भरना, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन या ऑफिशियल साइट पर जाइएगा उसी पे आप कर सकते हैं। वो परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करती है और उसके लिए वो विंडो खोलती है, लिंक देती है, वहीं पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का होता है। और सर ये एग्जाम का फॉर्म कब आता है और एग्जाम कब होती है? जुलाई में इसका एप्लीकेशन इन्वाइट किया जाता है और जनरली नवम्बर से दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है और जनवरी में मुख्य परीक्षा हो जाती है, फरवरी में रिजल्ट आ जाता है और फिर स्वास्थ्य परीक्षण होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और जनरली हम लोग अप्रैल में नए सत्र को शुरू करते हैं। सर अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है फिर यहाँ आके नहीं पढ़ रहा या मतलब बाय चांस बार बार कोई फेल कर जा रहा है तो उसे फिर ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है कि कोई बच्चा यहाँ आके बार बार फेल कर जाए, तो एक बार भी फेल नहीं हुआ है जी। तो और उम्मीद भी नहीं करते हैं कि इस तरह की स्थिति आएगी जी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो शिक्षकों का काम ही है इन चुनौतियों से निपटना। अच्छा ये तो नहीं है ना कि यहाँ से फिर अगर एक बार सिलेक्शन होती तो फिर निकाल देना या रेस्ट्रिकेट कर देना? नहीं नहीं, रेस्ट्रिकेट क्यों करेंगे हम बच्चों को, और अगर रेस्ट्रिकेशन की नौबत आएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी गंभीर बात होगी जी। मतलब सामान्य तौर पर तो बच्चे को कोई रेस्ट्रिकेट नहीं करता है जी, जी, जी। क्यों करेंगे हम बच्चों को रेस्ट्रिकेट जी। हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चे अगर कुछ गलतियां करते हैं तो उसे समझाना, सुधारना,
उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम उनको जो कुछ करें, रेस्ट्रिकेट करना वो तो एकदम से कहिए, जब कोई लाइलाज चीज हो जाए, कोई अत्यंत गंभीर मामला हो जाए तो फिर रेस्ट्रिकेशन की बात आती है। नहीं सर, जैसे बोला जाता है कि तीन गलती अगर होती है तो फिर उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं जैसे बाहर में बोला जाता है कि तीन। देखिए बाहर में बोलने वाले जो आजकल सबसे ज्यादा वही बोलते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता। जी जी जी, है कि नहीं जी। पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, डिपेंड करता है कि किस तरह की गलती होती है। उसके बाद हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं, फिर मान लीजिए कुछ हम लोग उसको आइसोलेशन में रखते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, जरूरत होता है तो सप्ताह 15 दिन के लिए सस्पेंड भी करते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं। तो हमको नहीं लगता है, आज तक तो हमने एक भी बच्चे को रेस्टिकेट नहीं किया है। पता नहीं कहाँ से ये खबर फैली है कि रेस्टिकेट नहीं, खबर नहीं, जैसे बोला जाता है कि बड़े बड़े स्कूलों में अगर तीन नहीं आप कर देते हैं, जैसे प्राइवेट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य, हमारे पूरी टीम का उद्देश्य बच्चों को सुधारना है। कोई भी सिस्टम, कोई भी विद्यालय अगर बच्चे को रेस्टिकेट करता है तो वो समाज में एक अनसोशल एलिमेंट पैदा कर रहा है। जी जी जी, है कि नहीं जी। बिल्कुल, तो बच्चों को रेस्टिकेट करना तो नहीं चाहिए जी। हाँ, अब सैकड़ों हजारों में एक मामला वैसा हो जाए हाँ, तो उस अपवाद से भी इनकार नहीं कर सकते हैं जी, जी, जी। लेकिन अपवाद को फिर हम सामान्य एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन होता है, लेकिन सौभाग्य से अभी तक हमारे विद्यालय में तो यह स्थिति नहीं आई है। सस्पेंशन तक बात आई है, सस्पेंड कुछ बच्चों को किया है 10 दिन 15 दिन के लिए, वो भी सुधारात्मक कदम है उनको समझाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए। बाकी रेस्टिकेट करना कहीं से हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया और ये जो सारा चीज़ विश्लेषण दिए आप हमारे चैनल के माध्यम से, कि जो लाखों पेरेंट्स हमारे वीडियो देख के पता कर सकते हैं, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारा चीज़ देख सकते, समझ सकते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आपके बिहार में कोई रिलेटिव हो तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ बिहार के बच्चे को एडमिट किया जाता है।